Hello guys, today in this section we discuss high school contractor teacher ra PG science PCM batch ra previous year chemistry kon question asthala batch and student pai exam corner taraf guru gode abhyas prayas apan mane ghare basiki emiti bhalo preparation kari paribe amo platform taraf guru sete pai ame mane atyanta parishram karuchu bhalo bhalo question apan man pai ame nei asuchu तो सेतिपाई आपण मानको सपोर्ट हमको दरकार। तो एबे चलो स्टार्ट करिबा हमर फर्स्ट क्वेश्चन। सो एक नंबर क्वेश्चन रे हमर केमिस्ट्री को क्वेश्चन आथला। देखो सो एक नंबर क्वेश्चन अछि CO2 जते बेले हमर CH3 एमिजवा से रिएक्ट करजी एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होजी। तो से एक्स्ट्रा अगेन हाइड्रोलाइसिस पेकी प्रोड्यूस करजी को प्रोडक्ट प्रोड्यूस करजी। तो एटा मेकानिज्म आर गोटे अच्छी मेकानिज्म देखा कमी रिएक्शन होने फास्ट जाना ये सी एस थ्री एमजीआर हूँ गोटे टाइप ग्रिग्नार रिएजेंट गोटे रिएजेंट ये रिएजेंट कार्बन डाइऑक्साइड सहित रिएक्ट कर तो कौन एक्सटा जो प्रोडक्ट फॉर्म करमी प्रोडक्ट फॉर्म करें सीओ टू स्ट्रक्चर करवा ओ डबल वन सी डबल वन ओ ये आमर आम जानचे ऑक्सीजन टा नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव कंटेन करे तो कार्बन टा इलेक्ट्रो डेफिशिएंट डेल्टा पॉजिटिव। तो ये आम सी एच थ्री एमजीबीआर रे कार्बन टा हूँ आमर स्मॉल पॉजिटिव चार्ज बिकॉज ऑक्सीजन आटम्स टा आमर हूँ हाई इलेक्ट्रो नेगेटिविटी देन कार्बन से सी एच थ्री एमजीबीआर रे सी एच थ्री टा आमर एटी नेगेटिव इलेक्ट्रो नेगेटिव एंड एमजीबीआर टा इलेक्ट्रो पॉजिटिव कंटेन करे कारण एटी मैग्नीशियम जो एलिमेंट रोच इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटाल से आमर ये न्यूक्लियोफाइड ऐड कर सी एच थ्री टा तो न्यूक्लियोफाइड सब आम जानचे डेफिशिएंट न्यूक्लियोफाइड मीन्स इलेक्ट्रॉन रिच से सब आसिकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो इलेक्ट्रॉन जार दरकार थो कार्बन ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो ये इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइड आसिक रिएक्ट कर कार्बन डेफिशिएंट को तो सी एच थ्री रिएक्ट है देन आम जो एम जि बिटा रहा इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल से रिएक्ट कर आसिकी इलेक्ट्रोन रिच सेंटर रे नेगेटिव को तो प्रोडक्ट आम ये फॉर्म हो सी डबल वन ओ ये सी एच थ्री आम लगे मिथाइल ग्रुप देन एटी ऑक्सीजन टाइम लगेगा ये ऑक्सीजन को आम एम जि बिहार जो एम जि बिहार तो ऐसे ऑक्सीजन रे आमर लोन फायरिटी अच्छी इलेक्ट्रोन आम रोच जिते आम हाइड्रोलाइसिस करिया वाटर प्रेजेंस रे वाटर जो भांगी दे आम ये टाइप रो वाटर एच टू एच को आउ एच को भांगी देली कारण पॉजिटिव आउ नेगेटिव को मु भांगी देली इजीली आपण जान पारिबे केमिति रिएक्ट करूची। तो जिते आम जान ऑक्सीजन एठी आमर नेगेटिव अछि तो एठी ऑक्सीजन आसी कि आमर हाइड्रोजन पॉजिटिव आसी एठी रिएक्ट करबे हाइड्रोजन नेगेटिव आयन हम जानचे तापर ओएच का रहिला ए मैग्नीशियम ब्रोमाइड टा आमर लिविंग ग्रुप टा लिविंग हे जो माने एटू छाड़ी आसिकी ओ सहित रिएक्ट करके फॉर्मेशन हम आउट कंपाउंड। तो आम नेक्स्ट प्रोडक्ट आम फॉर्मेशन है सी डबल बॉन्ड ओ ये फॉर्म हो गया ओ एच देन ये सी एच थ्री ये कंपाउंड आम फॉर्म है देन जो नेक्स्ट जो रहा प्रोडक्टा एम जि बी आर ओ एच मैग्नीशियम ब्रोमाइड हाइड्रोक्साइड ब्रोमाइड देन ये प्रोडक्ट रहा कंपाउंड प्रोडक्ट आम कौन रोच CH3COOH आंसर आम डी इथानोइक एसिड आ ना रहा इथानोइक एसिड इथानोइक एसिड दीटा आम कार्बन रोज इथानोइक एसिड COOH DCH3 दीटा कार्बन रहा मिथेन इथेन इथानोइक एसिड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आम जा नेक्स्ट क्वेश्चन को व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर फ्लोरीन एंड क्लोरीन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फोर एंड थ्री दे तो तार पचार डाइपोल मूवमेंट ऑफ क्लोरीन मोनोक्लोराइड सी एल एफ रे डाइपोल मूवमेंट। तो आम जानचे क्लोरीन रि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी दी थो तो डाइपोल मूवमेंट बाहर डिफरेन्स इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेन्स इन इलेक्ट्रो नेगेटिविटी
इक्वल टू डाइपोल मोमेंट, तो डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी हो चुके थे 4 - 3 इक्वल टू 1 डाइपोल मोमेंट, तो ये हमारा आंसर सी टा करेक्ट हो 1 डाइपोल मोमेंट क्लोरीन मोनोक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जीवा 14 नंबर क्वेश्चन में पढ़ते हमारा द कन्वर्शन ऑफ एसिड क्लोराइड टू रेस्पेक्टिव एल्डिहाइड इज नोन एज, यो वन टाइप ऑफ नेमिंग रिएक्शन, एटा नेमिंग रिएक्शन टा प्रैक्टिस करले तुम जान पार सांगे सांगे चिन्ह कह दबो एटा हमारा रोजेनमैन रिएक्शन टा। रोजेनमैन रिएक्शन रे कोन हुए जेते बेले आमे एसिड क्लोराइड टा रिएक्ट करे आर क्लोरीन, एटा एसिड क्लोराइड जइतो जेते आमे रिएक्शन करिबा हाइड्रोजन एसिड करिबा एच2 सहित एन रिएजेंट नबा प्लाटिनम ऑन बेरियम सल्फेट हम प्रोडक्ट आ हाल एल्डिहाइड भारे आर एल्डिहाइड भारे CH ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप तो एथि एल्डिहाइड प्रोडक्ट भारे एटा होचो हमर रोजेनमैन रिडक्शन दिस इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट हम प्लाटिनम बेरियम सल्फेट रिड्यूस हे तो सेटा क्लोरीन को रिड्यूस करिकि ए जागा रे हमर हाइड्रोजन टा पुरबो एटा मेकानिज्म होचि डायरेक्ट रिएक्शन का मन रखा पड़ो नेमिंग रिएक्शन रोजेनमैन रिएक्शन साइंटिस्ट रोजेनमैन द्वारा रिएक्शन आईला से ना दिया रोजेनमैन रिडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आम जावा नेक्स्ट क्वेश्चन 115 अच्छे आम कोलाइड्स आर यूजुअली प्यूरीफाइड बाय कोलाइड्स पार्टिकल, कोलाइड पार्टिकल होती वन टाइप ऑफ मिक्स पार्टिकल एग्जांपल कोलाइड पार्टिकल हो मिल्क रोटे आम डिट्रोजन सांथेटिक डिट्रोजेन रोज ये सब रोज कोलाइड तो सी कोलाइड आउ प्यूरीफाइंग करा जाए तो डायलिसिस द्वारा एटा मन रख डायलिसिस प्यूरीफाई करा जाए इलेक्ट्रिक करंट जो जदी जो कोलाइड से प्यूरीफाई करा जाए ताको कहबे इलेक्ट्रोडायलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा 116 नंबर क्वेश्चन रे अछि व्हिच अमंग द फॉलोइंग रूल्स ऑफ प्रिंसिपल स्टेट दैट व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड टू ए सिस्टम इन इक्विलिब्रियम द पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द डायरेक्शन दैट विल रिलीव द अप्लाइड स्ट्रेस से कहूछि हमर अप्लाइड इक्विलिब्रियम अछि स्ट्रेस अप्लाइड करबा इक्विलिब्रियम को जो गोटे सिस्टम टा इक्विलिब्रियम थबो ताको आमे स्ट्रेस अप्लाई गोटे फोर्स अप्लाई करबा तो से इक्विलिब्रियम टा शिफ्ट हुए को वाड को जो वाड को आमर फोर्स टा कम हो थबो से वाड को माने गोटे सीधा रे इक्विलिब्रियम सीधा जदी आमे फोर्स टा अप्लाई होजी तो से सेई डायरेक्शन जो डायरेक्शन रे फोर्स टा अप्लाई होतो सेई डायरेक्शन आमर इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो कम तार रिड्यूस करे पई फोर्स टा पावर को स्ट्रेस को रिलीव करे पई से आड़ को सी डिरेक्शन से फॉरवर्ड डिरेक्शन को रिमूव करे तो ये हमारे लीड एज साइंटिस्ट रही थे ताको फेते पर लीड एज प्रिंसिपल एम तुम ये मन रखी जो कर पारे नॉलेज हमारा नेग्लेक्ट रूल अनुसार भी कर पारे आम डी वेव प्रिंसिपल आम जानते हैं वेवलेंथ ऊपर आम रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डी वेव देते अल्फा विशुल जानी यहाँ आम स्टेबल लोअर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन टा फास्ट लोअर ऑर्बिट फिल हुए हायर ऑर्बिट को जाए फर्स्ट लोअर रे इलेक्ट्रॉन फास्ट सिंगल पेयर है तापर पेयर हुए फास्ट गोटे गोटे मन कर गोटे अच्छे कार्बन सिक्स तो फास्ट आम वन एच टू टू पी टू रहा तो फास्ट इलेक्ट्रोन आम टूपी आम रोच टूपी रही तीन टा अबिटा रोज मैं छा इलेक्ट्रोन पेयर है ये फास्ट फास्ट एमती गोटे गोटे पेयर होपर आसिक पेयर हम यहाँ आम टू अच्छे मानते वन टू हम यहाँ रन टू यहाँ आम पेयर होदी आम करवा फास्ट गोटे सेकेंड एम फिलअप हम तो यहाँ हंस रूल कही फास्ट गोटे गोटे फिलअप हो सेकेंड तापर पेयर हम पेयरिंग हम से हंस रूल मल्टीप्लीसिटी मल्टीपल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सहित आइसोप्रोपाइल बेंजीन रिएक्शन अल्काइल केम एन फोर पोटासियम परमाणु सहित रिएक्ट करके हमर कौन प्रोड्यूस करे आइसोप्रोपाइल बेंजीन एटा होचो हमर आइपैक नेम गोटे तार कॉमन नेम होची क्यूमेन तो आम स्ट्रक्चर कर देखिया रिएक्शन टा कौन हो स्ट्रक्चर जो करवा सी CH3 आइसोप्रोपाइल बेंजीन क्यूमेन भी कहवा कॉमन नेम हो क्यूमेन मन रख परीक्षा जो आइसोप्रोपाइल बेंजीन दे थब रिएक्शन सेम रिएक्शन हम आउ क्यूमेन दे थे भी एक रिएक्शन हम तर यहाँ है कॉमन नेम जिते आम आपको ऑक्सीडेशन करके एम एन फोर
आलकाली के मेन प्रोटोन परमैंगनेट एटा होची स्ट्रांगली ऑक्सीडाइज वन टाइप ऑफ स्ट्रांग ऑक्सीडाइज एजेंट तो ये ऑक्सीडाइज करबो मिथाइल ग्रुप को ऑक्सीडाइज करबो ए दीटा ग्रुप को छे ऑक्सीडाइज कर फॉर्मेशन हबो हमर एसिडटा फॉर्मेशन हबो जदी स्ट्रक्चर हमर कोन हबो बेंजीन को तारो बेंजीन स्ट्रक्चर एटी हमर सीओएच ग्रुप लागबो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लागबो तो एटा फॉर्मेशन होई जो बेंजोइक एसिड एटा ताला बेंजोइक एसिड एसिड फॉर्मेशन कला तो आंसर हबो बी नेक्स्ट क्वेश्चन हो जी 18 नंबर क्वेश्चन है नंबर ऑफ पाई एंड सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट इन 1 ब्यूटेन 3 वाईएन रेस्पेक्टिवली ए स्ट्रक्चर ए 1 ब्यूटेन का स्ट्रक्चर डा कर दबा आदे देखिए केतरा पाई बॉन्ड आउ सिग्मा बॉन्ड अछि स्ट्रक्चर करिया ब्यूटेन मींस चारटा कार्बन पैटर्न लिख देबा एंड सिंपल केन करहाबो सेटा पर बुझो कांसेप्ट मु बुझो छी तो एक नंबर कार्बन को डबल बॉन्ड लागी छी 1 ब्यूटेन ईएन मींस डबल बॉन्ड वाईएन मींस ट्रिपल बॉन्ड तो तीन नंबर कार्बन को ट्रिपल बॉन्ड तो स्ट्रक्चर रे हम कर देले तापर आमे पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड आदरु देखिबा केतरा अछि तो पाई बॉन्ड एक गोटे कांसेप्ट मन रखै छी जदी हमर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रहू छी तो सिंगल बॉन्ड सब जगह रहू छी हमर सिग्मा बॉन्ड गोटे सिग्मा सिग्मा बॉन्ड रहू छी यदि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन रहू छी तो आदरे गोटे सिग्मा बॉन्ड रहू छी एंड गोटे पाई बॉन्ड रहू छी यदि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन रहू छी इतने गोटे सिग्मा एंड दीटा पायर ए तीन टा मन रख ए तीन मन रखी आम तुम जापर कंपाउंड केतटा सिग्मा के पायर तो आम देखा ये स्ट्रक्चर ओपन करवा हाइड्रोजन हम हाइड्रोजन दीटा लगे देन एटे गोटे हाइड्रोजन लगे ये चार कार्बन कारण जो स्ट्रक्चर आम करबन टेटा बैलेंस कनसेप्ट यूज कार्बन टेटा बैलेंस कार्बन मैक्सिमम चार बंद कर तो गोटे दीटा तीन टा चार बंद करदेला ए कार्बन टाइम चार्टा बंद करदेला ए कार्बन भी चार्टा बंद कला दे एक बंद तीन टा कर गोटे बंद कर देखा सिग्मा बंड के जो सिंगल बंड सब सिग्मा बंड गोटे दीटा तीन टा चार्टा पांचटा पांचटा सिंगल बंड एथर आस गोटे सिंगल बंड डबल बंड गोटे सिग्मा बंड आस डबल बंड गोटे सिग्मा बंड और ट्रिपल बंड गोटे सिग्मा टोटाल सतटा सिग्मा बंड रहा सेवेन सिग्मा बॉन्ड रहला देन हमर पाई बॉन्ड केतरा आछि डबल बॉन्ड गोटे पाई बॉन्ड रहउछि आ ट्रिपल बॉन्ड दीटा पाई बॉन्ड टोटल तीनटा पाई बॉन्ड रहला तो एटा हम देखिबा पाई बॉन्ड 3 तीनटा सिग्मा 7 टा को नंबर अछि देखो एडी सी रह अछि तो सी रहउछि हमर करेक्ट आंसर नेक्स्ट को जीबा व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ नॉन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड नॉन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड माने जो कंपाउंड बेंजीन न्यूक्लियस हे नथव तो बेंजीन स्ट्रक्चर जोड़ा ही ना था तो एनिलीन टा बेंजीन स्ट्रक्चर हो जी साइक्लो प्रोपेन भी बेंजीन स्ट्रक्चर हो जी एसिटाल्डिहाइड भी हमर बेंजीन स्ट्रक्चर हो जी किंतु ट्रोपोलोन ट्रोपोलोन हो भी बेंजीन स्ट्रक्चर नो सेवन मेंबर रिंग एटा तो सेति पई ट्रोपोलोन टा आंसर हो ट्रोपोलोन स्ट्रक्चर हो सेवन मेंबर रिंग माने सातटा स्ट्रक्चर सातटा हमर तार कंजुगेटेड सिस्टम हो जाबो अंदर सातटा जदी करिबा स्ट्रक्चर टिके भूल हो जी गोटे दुटा तीन टा चार पांच छा सतटा सतटा डबल बॉन्ड ओ लगे ओज लगे कह ट्रोपो ना है ट्रोपो सेवेन स्ट्रक्चर से नॉन एरोमेटिक कंपाउंड सेकेंड ट्वेंटी क्वेश्चन थर्ड देख एक्सप्रेशन केसटा इन एक्सप्रेशन कर मेन कर ये बहुत इंपोर्टेंट कांसेप्ट मन रख सब जाक एक्सप्रेशन केस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्सप्रेशन गुरा पड़े सब से मन रखा पड़े तो मुझे कहीदे वैल्यू गुरा तो मुझे वैल्यू गुरा मन रखीदे तुम आराम से बाहर कर बोरिन बोरन थार्ड आंसर हो 3659 तापर आमर इंडियम 2704 तापर आमर आउची थैलियम रो 2877 आलमुनियम रो आउची थर्ड आंसर रो आउची 2744 लास्ट होउची गैलियम 2962 ए सीरीज देखिलो पांचटा जिनस मन रखि देले थर्ड आंसर फर्स्ट सेकंड थर्ड आंसर आउची तो थर्ड आंसर छै
अलग अच्छे कम रहा सब से अनुसार डिफरेन्ट डिफरेन्ट रहा फिजिक्सटा जेटा क्वेश्चन थार्ड आंसर पचार भले क्वेश्चन कन्फ्यूज हम कहना फास्ट सेकेंड थार्ड डिफरेन्ट रहा गैलियम थालियम टी एपट सेपट हम कि थार्ड पचार तो थार्ड आम सीरीज देखिए फास्ट हूँ बोरन बोरन सब फास्ट अच्छी बोरन पर 2962 गैलियम गैलियम भी सब अच्छी गैलियम पर आम 29 पर आ 2877 थालियम थालियम भी सब अच्छी थालियम सरी देख ए चेंज कर कन्फ्यूज हम सैक्शन देखी कारण ग्रेटर दैन स्मॉलर दैन चेंज कर तो आम आंसर ए है ठीक परफेक्ट अच्छे पूरा ये भी देखा दरकार नहीं कारण ये ग्रेटर दैन टू गैलियम द्वारा स्मॉल दैन टू थालियम दे कि गैलियम थालियम टू अधिक आम जानले तो आंसर ए करेक्ट आंसर 100 नंबर क्वेश्चन देती डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन एट हार्बर प्रोसेस रिएक्शन देती अमोनिया फॉर्मेशन N2+3H2 गिव टू 2NH3 तो ये आम सिंपल डेल एच फॉर्मूला तुमको मन रखा पड़ो डेल एच फॉर्मूला हूँ डेली प्लस डेल एन आर टी एटा आम डेल एच एंथाल चेंज इन एंथाल फॉर्मूला एटा मन रख तो यहाँ केमी बाहर आम डेली तो अच्छे आंसर ये आम खाली एन टा डेल एन बाहर डेल एन के बाहर मन रख नंबर अफ जो कोफिशियंट कोफिशियंट नंबर अफ कोफिशियंट अफ रिएक्टेंट माइनस नंबर अफ क्वेश्चन अफ प्रोडक्ट तो ये आम देख क्वेश्चन अच्छे वन एन टू मान गोटे कोफिशियंट वन आर आर थ्री टोटाल है फोर डेल एन आम के बाहर फोर 2-4 प्रोडक्ट नंबर अफ आम कोफिशियंट अफ प्रोडक्ट माइनस नंबर अफ क्वेश्चन अफ रिएक्टेंट तो आम ये टू प्रोडक्ट टू अच्छी फोर रहा रिएक्टेंट 3+1 फोर तो डेल एन बाहर -2 तो -2 पकईदे तो आंसर बाहर डेली -2 RT तो देखो ये आंसर कौन होती फास्ट आंसर अच्छे तो फास्ट आंसर फॉर्मूला खाली मन रखा डेल एन टाइम बाहर नंबर अफ प्रडक्ट कोफिशिएंट अफ प्रडक्ट ये कोफिशिएंट लिखाई नंबर अफ कोफिशिएंट अफ प्रडक्ट माइनस नंबर अफ कोफिशिएंट अफ रिएक्टेंट तो दुटा रिएक्टेंट अच्छे तो दुटा कोफिशिएंट मिसाई नेक्स्ट क्वेश्चन आम जा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाइसैकेराइड डाइसैकेराइड मीन्स दुटा मनोसाकेराइड मिसिकी डाइसैकेराइड डाई लिखा दुटा दुटा मनोसाकेराइड मिसिकी जो सैकेराइड डाइसैकेराइड कह तो ये आम देख सेलुलोज मनोसाकेराइड ग्लूकोज भी मनोसाकेराइड फ्रुक्टोज भी मनोसाकेराइड लैक्टोज आ डाइसैकेराइड एटा मन रख नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ व्हिच विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द लेंथ इन द सीएफ बॉन्ड्स फॉर द डिफरेंट कंपाउंड्स सीएफ बॉन्ड रो करेक्ट ऑर्डर टा ये गोटे कनसेप्ट मुझे तुमको कहवाक चाहिए आमर इलेक्ट्रो नेगेटिव जदि अधिक हम इलेक्ट्रो नेगेटिविटी जदि अधिक हम बॉन्ड लेंथटा कम हम तो ये देख फ्लोरीन टा सब अधिक इलेक्ट्रो नेगेटिव फ्लोरीन टा आमर अधिक इलेक्ट्रो नेगेटिव से गोटे फ्लोरीन आमर देख ये अच्छी दुटा फ्लोरीन तीन फ्लोरीन चार्टा फ्लोरीन तो ये सब अधिक इलेक्ट्रोन अधिक से आर बंड सब कम तो आंसर फास्ट ठीक हे नेक्स्ट क्वेश्चन को जी फर द फास्ट रिएक्शन टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन फॉर 99% रिएक्शन इज 9 hours तो 99% 9% रिएक्शन करने 9 hours लगुच 90% रिएक्शन कंप्लीट के लगे यहाँ गोटे फर्मुला अच्छी फर्मुला तुमको कहूँ टी 99.9% रिएक्शन कंप्लीट हाँ जी समय लगे ये हम तीन गुण हम टाइम कार 90% रहा मन रखी था मन रखे बाहर जो तीन गुण मीनस जब 9 hour हो 90% कर 3 hour लगे सिंपल कनसेप्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आम क्वेश्चन अच्छे द रिएजेंट यूज टू आईडेंटिफाई यूरिया बाय बायोरिएक्टर टेस्ट कॉपर टू सल्फेट एटा गोटे रिएजेंट यूज मन रख कॉपर टू सल्फेट यूज होता है यहाँ मन रख सेकेंड क्वेश्चन जीवा 126 नंबर क्वेश्चन में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द अजक्रम ऑफ द डाय अजक्रम होती आम रेडिएशन रेड लाइट रोचे तो से डायर जो रेडिएशन के कलर रो सेटा प्रॉपर्टी तार अजक्रम प्रॉपर्टी रेडिएशन रो कौन कल इंटेंसिटी ऑफ कलर ऑफ द डायर सेटा सी इन्फ्लुएंस कर थाए जनई थाए तो आंसर यहाँ ठीक हे सीटा आंसर ठीक हे कनसेप्ट गुरा सब मेन कर कनसेप्ट गुरा जी तुम मैं कहीदेव से सब जी मन रखा कथा मन रखा आज फर्मुला यूज कर
न्यूमेरिकल करा से मुझे बुझे दूसरी से कनसेप्ट यूज करेक्ट क्वेश्चन आम 127 नेचर ऑफ़ द सी एन वन इज अल्काइल। तो ये आम जानचे कार्बन टाइम टेट्रा भैलेन्सी तो कार्बन सब कोवेलेंट कर मैक्सिमम चार्ट बंड करेंगे से कार्बन सब आटम सहित कोवेलेंट बंड कै तो ये कोवेलेंट आंसर ठीक हे। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ C28O42 इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ प्रोपिलीन फॉलोइंग कंपाउंड। एटा हमारा अल्केन स्ट्रक्चर तो यहाँ मन रखा पड़ो आइकोसेन स्ट्रक्चर C20H42 कारण अल्केन स्ट्रक्चर जेना फॉर्मूला CnHa2n+2 तो 20 जो हूँ 20 जो 2 ये पुट करवा तो 20+2 मीनस ये 2n हो गले 40+2 42 तो आइकोसेन डेकेन तो हमें 10 आनिल तो हमें ट्राइएक्टेन तो हमें नेग्लेक्ट करी भी हमें कर पारिबा तो आइकोसेन हम आंसर। नेक्स्ट आमर 120 क्वेश्चन हो जेलेटिन इज मोस्ट यूज इन मेकिंग आइसक्रीम। जेलेटिन वन टाइप गोटे रोच अठा लगे यूज कर आइसक्रीम यहाँ गोटे जेनराल नलेज कनसेप्ट मन रखीदेव जोटा कि आम प्रिभेन्ट मेकिंग कोलाइड कोलाइड को प्रिभेन्ट कले तो यूज हुए टैबलेट कोलाइड प्रिभेन्ट क्रिस्टलाइजेशन ये आंसर ठीक हे मैंने जो आइसक्रीम खाऊे तो सहीटा अधिक समय रही मिले जीवनी से कोलाइड टैबलेट कर अधिक समय रहा आ क्रिस्टलाइजेशन मीन से खसड़ा हाथ धरले खसी जाए आइसक्रीमटा से प्रिभेन्ट कै ये जेलेटिन जेलेटिन प्रोडक्टा प्रोसेसटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ आम लास्ट क्वेश्चन 130 क्वेश्चन गोटे पड़ा आम जो फेनलटा रियाक्ट करती कार्बन डाइअक्साइड सहित प्रेजेसन एन हो प्रड्यूस कंपाउंड ए से ए कंपाउंड पुणी आउ थे रिएक्शन कर सहित आस्पिरिन फॉर्मेशन कर दे से ए बीटा आम कौन से आम जाना ये देखा रिएक्शन देखा जितेबाद आमर फेनलटा फेनलटा जिते रिएक्ट करेनल स्ट्रक्चर फास्ट करवा फेनल देख बेंजीन नंबर ओएच है फेनल स्ट्रक्चर हम तो जो से प्रेजेन्स अफ ओएच एनएओएच रिएक्ट कर आमर कंपाउंड फॉर्मेशन करुच्ची सोडियम सॉल्ट अफ सालिसाइल केएटी आ स्ट्रक्चर हूँ सोडियम सॉल्ट अफ सालिसाइल कारण सोडियम रिएक्ट कर नेगेटिव मेकानिज्म अच्छे मेकानिज्म पड़ो सीओओ माइनस एनए प्लस तो आ ना है सोडियम सॉल्ट अफ सालिसाइलिक एसीड मन रख जो आपको एसिडिशन करवा एस प्लस प्रेजेन्स एसिडिशन करवा तो आम पाइबा सालिसाइल एसिड पाइबा ये गोटे आम आंसर मेन बाहर था सालिसाइल एसिड पाइबा रिएक्शन सब मन रखा पड़ो रिएक्शन करदे मेकानिजा यहाँ आना है सालिसाइलिक एसिड ये मेन आंसर सालिसाइल एसिड बाहर सब सालिसाइल एसिड देती कितना नेक्स्ट प्रोडक्ट बीटा कौन मैंने सालिसाइल एसिड को प्रोडक्ट मिसले तो आम आस्पिरिन पाइबा तो यहाँ आम रिएक्शन मन रखा पड़े जो सालिसाइल एसिड सहित आम एसिटाइल डीआईड रिएक्ट करे आसे जब आम एसिटाइल डीआईड फॉर्मूला हूँ CH3CO4 2O यहाँ एसिटाइल डीआईड जितने आ सहित रिएक्ट करवा प्रेजेन्स गोटे एसिड पकाव कनसेंट्रेसन H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जो पक तो आम प्रोडक्ट पाइबा आस्पिरिन डायरेक्ट पाइबा आस्पिरिन स्ट्रक्चर हूँ देख मन रखे आस्पिरिन सहित परीक्षा भी पड़ो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ ये आमर CH3 देन ये आमर COOS लगे ये डबल बॉन्ड सहित ओ लगे तो यहाँ हूँ आम आस्पिरिन स्ट्रक्चर आस्पिरिन स्ट्रक्चर को मन रखा आस्पिरिन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आम ये आम कंप्लीट हो थैंक यू गेट रेडी फॉर सेकेंड सेकेंड टॉपिक थैंक यू।